हेलो एवरीवन वेलकम टू टीब अफेयर्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अगस्त पार्ट थर्ड तो इस वीडियो में बात करेंगे अगस्त के 18 से 24 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस तो अगस्त बैंकिंग का ये थर्ड पार्ट है दो वीडियो पहले आ चुके हैं और बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेपरेट प्ले है उस प्ले में जाके आप सभी मंथ के जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं बैंकिंग के उसे आप देख सकते हैं और इसके साथ साथ आर एनबीपीओ क्लर्क में के लिए जो वीडियो सीरीज था उसमें उन सारे वीडियोस को आप जरूर देखें हम इसे बात करेंगे 18 से 24 अगस्त तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच बैंक टॉप लिस्ट ऑफ पी एस बी लेंडर्स चार्ट इन क्वार्टर वन ऑफ फिस्कल ट्वेंटी फोर इन लोन डिपोजिट ग्रोथ इन परसेंटेज मतलब कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक टॉप किया है इस लिस्ट में फॉर द लेंडिंग लोन डिपोजिट ग्रोथ इन परसेंटेज इसमें कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस वित्त वर्ष में जो अभी चल रहा है इसकी पहली तिमाही में अप्रैल से जून तक के बीच का तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र इमरज एंस टॉप परफॉर्मर अमाउंट पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन एंड डिपोजिट ग्रोथ परसेंटेज टर्म्स तो परसेंटेज के टर्म में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र का फॉर लेंडिंग लोन्स एंड डिपोजिट ग्रोथ द डिपॉजिट एंड एडवांस रिकॉर्ड ऑलमोस्ट ट्वेंटी पच्चीस प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ इसमें विधोल ऑफ वन लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सिक्स सेवेंटी सिक्स करोड़ ये नहीं इंपॉर्टेंट है लेकिन यह इंपॉर्टेंट है कि हाँ पच्चीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है दूसरे नंबर पे है इसी लिस्ट में यूको बैंक यूको बैंक में जो ग्रोथ रेट हुआ है वो हुआ है ट्वेंटी पॉइंट सेवन जीरो परसेंटेज का बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो थर्ड रैंक पे है थर्ड पोजीशन पे है बैंक ऑफ बड़ौदा विथ सिक्सटीन पॉइंट एट जीरो परसेंट और इंडियन ओवरसीज बैंक फोर्थ पे है विथ सिक्सटीन ग्रोथ रेट्स और एस बी पे है विथ फिफ्टीन राइज तो टॉप थ्री आपको याद रखना है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक और उसके बाद यूको बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा इस जो पहली तिमाही है अभी वित्त वर्ष का फिजिकल ईयर तेईस 24 इसमें अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो इसका हेडक्वार्टर कहा है पुणे में है एम कौन है ए एस राजीव और इससे पिछले वाले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात किया गया था उसे आप जरूर देखिए दूसरा क्वेश्चन है रिसेंटली विच बैंक लॉन्च्ड वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विथ कतर एयरवेज एंड ब्रिटिश एयरवेज तो कतर और ब्रिटिश एयरवेज के साथ मिलके किस बैंक ने वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इंडज बैंक इंडज बैंक ने जो कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज में ट्रैवल करेंगे और जो इस बैंक के कस्टमर होंगे उनके लिए लिंक्ड वीजा मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडज बैंक ने दोनों एयरलाइंस के साथ मिलके नेक्स्ट है आरबीआई हैंडेड कॉन्ट्रैक्ट टू एंड टेक कंपनी टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर इंप्रूविंग रेगुलेटरी सुपरविजन आंसर होगा ऑप्शन सी एसेंचर और मैकिनजी को कॉन्ट्रैक्ट हैंड किया है आरबीआई ने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है नाइनटी करोड़ का नाइनटी करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है स एनालिटिक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर ह्यूज डेटा बेस रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए तो रेगुल, रेगुलेटरी जो सुपरविजन है उसको बेहतर करने के लिए टेक एनेबल करने के लिए और अच्छे से ए आई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके मैकन्जी और एसेंशियल को इक्यानवे करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर किया है आर बी आई नेक्स्ट है विच बैंक बिकम फर्स्ट पी एस बी टू एक्सटेंड ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट थ्रू डी डी ई प्लेटफॉर्म ऑफ एनी एस एल एनी एस एल के प्लेटफॉर्म पे तो कौन पी एस बी ने ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट को बढ़ाया है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडियन बैंक इंडियन बैंक हैज बिकम फर्स्ट पी एस बी टू एक्सटेंड द ऑनलाइन लॉकर एग्रीमेंट थ्रू डी डी ई प्लेटफॉर्म ऑफ एनी एस एल विच बैंक रिसेंटली अपॉइंटेड फोर डायरेक्टर्स केतन विक्रम से विक्रम से मृगाक प्रजां प्रांजपे राजेश दुबे एंड धर्मेंद्र शेखावत टू ट्विट सेंट्रल बोर्ड किस बैंक ने अपॉइंट किए चार डायरेक्टर्स को अपने सेंट्रल बोर्ड के लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड दिस फोर डायरेक्टर्स जिनका नाम है केतन विक्रम से मृगा प्रांजपे राजेश दुबे एंड धर्मेंद्र शेखावत ट्विट सेंट्रल बोर्ड और ये किया गया है तीन साल के लिए फॉर थ्री इयर्स फ्रॉम ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी तक नेक्स्ट है सीबीडीटी टी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस नोटिफाइड न्यू रूल्स फॉर टैक्स एग्जेंशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेडिंग हाउ मच अमाउंट तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फाइव लाख तो पांच लाख से जो एक्सीड होगा ठीक है उसके लिए न्यू टैक्स रूल नोटिफाई किया है ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फाइव लाख उससे ज्यादा पांच लाख से ज्यादा होने वाले के लिए। 16th 1961. तो इस एक्ट और अमेंडमेंट के तहत सोलहवा अमेंडमेंट है इनकम टैक्स रूल्स का अंडर सेक्शन टेन डी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 नेक्स्ट है आई एफ सी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आई एफ सी इन्वेस्टेड इन आई एफ एल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एल एच एफ एल टू बूस्ट एल आई सीज एक्सेस टू एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया कितना इन्वेस्ट किया है आई एफ सी ने इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हंड्रेड मिलियन डॉलर सौ मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किया है फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड मिडिल इनकम ग्रुप के लिए जो एफोर्डेबल हाउसिंग है उसको फाइनेंस करेगी एल आई सीज तो उसको बूस्ट किया है इन्वेस्ट किया है IFL, HFF, HFL में इंटरनेशनल फिनास कॉर्पोरेशन है सौ मिलियन डॉलर का हंड्रेड मिलियन डॉलर का आई एफ सी के एम डी इसका है में अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं जो इसी वीक के हैं आरबीआई लॉन्च उदगम पोर्टल फॉर अनिपोजिट उदगम क्या है अनकलेम डिपोजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन तो उदगम पोर्टल लॉन्च किया है आरबीआई ने डेज ंड्रेड कैंपेन भी लॉन्च किया था आरबीआई ने मई 2023 में दूसरा है विच बैंक पार्टनर विद आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू तो लॉन्च के सी सी, किसान क्रेडिट कार्ड एंड एमएसएमई लोन पावर्ड बाय फ्रिक्शनलेस क्रेडिट तो ये किया है एक्सिस बैंक ने एक्सिस बैंक पार्टनर विथ आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब विच बैंक लॉन्च यूपीआई इंटरपेरेबल डिजिटल रूपी मोबाइल एप तो केनरा बैंक ने लॉन्च किया है केनरा डिजिटल रूपी के लिए डिजिटल के लिए यूपीआई इंटरपोरेबल जहां एप्लीकेबल होगा उसके लिए लॉन्च किया है केनरा बैंक ने नेक्स्ट है विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च ट्वेंटी फोर सेवन इन बाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर कस्टमर क्वेरीज एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है ट्वेंटी फोर सेवन इन बाउंड कॉन्टैक्ट सेंटर फॉर इट्स कस्टमर क्वेरीज तो ये था 17 से 24 तक के बीच का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस और आप बाकी के वीडियोज जो करंट अफेयर्स से दूसरे टॉपिक के वीडियो हैं उन्हें जरूर देखें अपकमिंग एग्जाम्स मेंस एग्जाम्स के लिए सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू